हेलो बच्चों, तो आज वीडियो के थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम अपने इस क्लास में अपने इस वीडियो में आपके साथ में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर 20 में से 20 नंबर चाहिए तो मैं आज अपने इस क्लास के अंदर अकाउंटेंसी और बीएसटी दोनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ठीक करने के कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ऑलरेडी आपके इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत भी हो गए होंगे, लेकिन अभी हमारे पास चांस है दो सब्जेक्ट्स का, अकाउंटेंसी और बीएसटी। अगर हमें कुछ ऐसे ट्रिक मालूम चल जाए जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ठीक करे, तो इससे बढ़िया हमारे लिए वीडियो कोई भी नहीं होगी। इसलिए मुझे मालूम है कि आज आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक देखते रहेंगे, और बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने। चलिए तो बात करते हैं हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखकर हमें ये जज करना है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कितने टाइप्स के आते हैं। तो हमने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है। अब 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चन बच्चों इस टाइप से हो सकते हैं। एक तो वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको मिलेंगे कितने टोटल मिला के 20 एमसीक्यू मिलेंगे। अब 20 एमसीक्यू में आपको सबसे पहले उन एमसीक्यू को बाहर निकालना है जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 एमसीक्यू में आपको 10 एमसीक्यू एकदम ठीक है, जो आपको मालूम है कि सर इसका आंसर तो हमें आता है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो आपको सबसे पहले 20 एमसीक्यूज में से उन एमसीक्यूज को बाहर निकालना है जिसके आंसर्स ऑलरेडी आपको आते हैं। उस एमसीक्यूज को बिल्कुल भी टच नहीं करना इस ट्रिक के थ्रू जिसके आंसर ऑलरेडी आपको आते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी स्टडी को, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें ताकि आपको बिना ट्रिक बिना टिप्स के सारे एमसीक्यू ठीक हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हमारा कोई ना कोई एमसीक्यू गलत हो जाता है, तब उस कंडीशन में गलत करने से अच्छा कुछ ना कुछ हम ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक यूज कर सकते हैं जो शायद हमारे आंसर को ठीक कर दे। तो सबसे पहले आपको 20 एमसीक्यू जो मिलेंगे उसमें से वो एमसीक्यू आपको बाहर निकालने जो एमसीक्यू आपको बिल्कुल करना आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 में से 10 एमसीक्यू बिल्कुल ठीक करना आते हैं, तो इन 10 एमसीक्यू को बिल्कुल भी टच नहीं करना क्योंकि इसका करेक्ट आंसर तो आपको मालूम है। तो 3 तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से पहला क्वेश्चन हो गया वो एमसीक्यू जो आपको बिल्कुल करना आते हैं, दूसरा आपको एक ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे जो आपको नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 20 एमसीक्यू में 10 तो आपको आते हैं और 5 एमसीक्यू ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या आपको लगता है कि सर हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है, या फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन या ये टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और बच्चों बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे वो 5 क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे किस तरह के, वो 5 क्वेश्चन बच्चों हमारे होंगे जिसके बारे में हमें नॉलेज तो है लेकिन हमें उसकी नॉलेज 50-50 है। मतलब हमें क्या है, जिसमें हमें कंफ्यूजन है कि सर इसका आंसर हमें आता तो है लेकिन हमें श्योर नहीं पता कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि 20 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं और 20 एमसीक्यूज के अंदर 20 एमसीक्यू में आपको 10 क्वेश्चंस करना आते हैं एकदम करेक्ट, 5 एमसीक्यू आपको बिल्कुल नहीं आते और 5 एमसीक्यू जिसके बारे में अभी आपको मालूम नहीं है कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो जिसमें आपको अभी कंफ्यूजन है, आपको मालूम नहीं है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर को कि जब कोई एमसीक्यू हमें मिलता है तो हमारा दिमाग चारों तरफ घूमता है कि ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। मालूम नहीं कि ए पर टिक करते तो हमारा माइंड जाता है बी की तरफ, शायद बी ठीक हो, जब हम बी पर टिक करते तो हमें लगता है कहीं हमारा आंसर सी ना हो। तो बच्चों ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो 3 तरह के इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि उन क्वेश्चन को निकालो जो आपको बिल्कुल करेक्टली करना आता है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। आपको बात करनी है इन 10 क्वेश्चन की, एक तो स्पेशली उस क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता और आपको मालूम है कि ये तो गलत होने वाला है। चलिए अब हमें कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आपको आगे देखते हैं। तो हमारा आता है टिप नंबर 1, जो हमारा ट्रिक नंबर 1 चलेगा। ट्रिक नंबर 1 के अंदर हमने ट्रिक बताई आपको 50-50 करना है आपको, ठीक है। अब ये 50-50 का क्या मतलब इसको देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल वो 5 एमसीक्यू जिसके बारे में आपको या तो बिल्कुल नहीं पता या फिर आपको थोड़ा बहुत तो पता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चन के बारे में 4 एमसीक्यू 4 ऑप्शन गिवन, ए बी सी और डी, ए बी और सी डी। अब ए बी और सी डी में आपको सबसे पहले अपना दिमाग लगाकर उसमें से 2 एमसीक्यू ऐसे
दो ऑप्शन जो है उसमें से ऐसे निकालने हैं जिसको आपको मालूम है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, या फिर दो ऑप्शन ऐसे निकालने हैं जिस पर आपको लगता है कि शायद ये आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, 50-50 करना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, वॉट काइंड ऑफ जीएसटी इज, अब फोर ऑप्शन गिवन है कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनकम टैक्स है, या जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। राइट, अब वैल्यू एडिड टैक्स को अगर मैं शॉर्ट लेता हूं तो होता है VAT, वैट। ठीक है, अब ये भी जीएसटी की ये भी शॉर्ट फॉर्म है और ये भी शॉर्ट फॉर्म हो गई, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो रही है वो वैल्यू एडिड टैक्स हो रही है। तो हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि हाँ हमारा कम से कम ये आंसर तो नहीं है, तो एक आंसर हमारा ये बाहर हो गया। अब तीन ऑप्शन बचे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये लग रहा है कि हाँ ये कुछ टाइप्स है, लेकिन इनकम टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे। तो कम से कम मैंने चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसे बाहर निकाल दिया जिसके बारे में मुझे मालूम था दो कि ये दोनों तो मेरे आंसर का पार्ट नहीं हो सकते। अभी सबसे पहले मैंने बी और डी को हमने कर दिया बाहर, अब मेरे पास बचे केवल ए और सी। अब ए और सी में क्योंकि अब आपकी कंडीशन 50-50 पहुंच गई, तो हम ये मान सकते हैं कि आपका आंसर 50% ठीक भी हो सकता है और 50% गलत भी हो सकता है। अगर आपको 5 MCQ के बारे में नॉलेज नहीं थी और 5 MCQ में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो 10 MCQ को अगर बेटा मैं 50-50 करता हूं तो हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 10 में से 5 MCQ के आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो 10 MCQ के आंसर तो ऑलरेडी आपको आते थे और 10 के बारे में आपको नहीं मालूम था, 10+5, तो कम से कम बच्चों आपके 15 MCQ तो ठीक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू 50-50 ट्रिक के अकॉर्डिंग। राइट, अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर सेकंड, अब आगे कैसे हमें फॉलो करना है। अब हमें आगे बढ़ते हैं टिप नंबर टू को, अब हम देखते हैं कि टिप नंबर टू बच्चों हमारी क्या होती है। ठीक है, अब टिप नंबर टू में आप ये देख रहे होंगे, ये जो पर्सन है जो क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा जो है देख रहा है और इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिल पा रहा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हमें आंसर आएगा या नहीं आता। तो टिप नंबर टू का बच्चों हम लोग फॉलो करने वाले हैं और टिप नंबर टू जो है वो है हमारी लॉन्ग आंसर ट्रिक। अभी लॉन्ग आंसर ट्रिक क्या है इसके बारे में आपको समझा देता हूं। देखिए, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब 4 ऑप्शंस होते हैं और कई बार उसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर काफी लॉन्ग होता है, तो जनरली ये देखा गया है, सारे कंडीशन में नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में ऐसा देखा गया है जो सबसे बड़ा वाला जो आंसर होता है वही हमारा करेक्ट आंसर माना जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या माना जा सकता है, जिसके बारे में हमें ज्यादा से जिसके आंसर्स में जिसके ऑप्शंस में हमें ज्यादा पॉइंट्स दे रखे हो। फॉर एग्जांपल लिखा पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप क्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए ओरल, रिटिन, डुप्लीकेट और आइदर ओरल और रिटिन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन गिवन है और मुझे पता नहीं कि पार्टनरशिप किस टाइप की हो सकती है, इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना इसके बारे में, मैंने कभी पढ़ा है। तो अब मैं किसको फॉलो कर सकता हूं, लॉन्ग आंसर ट्रिक को फॉलो कर सकता हूं और लॉन्ग आंसर का मतलब यह है कि इन 4 ऑप्शंस के अंदर किस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा दे रखा है। तो सबसे बड़ा आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी का, आइदर ओरल और रिटिन, तो हम ये मान सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। राइट, अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास अगर अभी सैंपल पेपर हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं या आपके स्कूल में जो टेस्ट पेपर हुए होंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप बाहर निकाले, उसका करेक्ट आंसर ढूंढे, तो उसमें से आप नोटिस करना कि ये ट्रिक मैंने आपको बताई है इसमें से कितने परसेंट ट्रिक ये सही हो पा रही है। अगर ये ट्रिक आपको लगता है कि ज्यादातर कंडीशन में ठीक होती है तब आप इस ट्रिक को बोर्ड में फॉलो कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को गलत करने से अच्छा तो बेटर यह है कि तुक्का ही मारना है तो तुक्का मारते टाइम कुछ ना कुछ हम ऐसे साइंटिफिक ट्रिक को यूज करें कि शायद हमें उम्मीद हो जाए कि हमारा आंसर ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जिस आंसर के बारे में आपको बिल्कुल करेक्ट नॉलेज है उस पर कोई भी ट्रिक कोई टिप्स यूज नहीं करना, आपको केवल वही यूज कर सकते हो, वो भी आपकी चॉइस है, जिसमें आपको लगे कि इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब वहां पर जाकर आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। अच्छा, एक ऑप्शन मैंने और शो करा इसके अंदर,
एक ऑप्शन मैंने और शो करा है, इसके भी आंसर देख सकते हो लॉन्ग लॉन्ग आंसर ट्रिक के अंदर। इसमें लिखा हुआ है द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म, पार्टनर्स का फर्म के साथ में क्या रिलेशन होता है एज अ ऑनर एज अ एजेंट, ऑनर एंड एजेंट एंड मैनेजर का, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि जो पार्टनर होता है वो फर्म का एजेंट होता है, वो मैनेजर होता है या ऑनर होता है, तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तब मैंने अपने लॉन्ग आंसर ट्रिक को फॉलो करा और इसका जो सब इन ऑप्शंस में सबसे बड़ा आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अकाउंटेंसी में जो हमारे थियोरिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उस थियोरिटिकल क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो लॉन्ग वाले ही करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकते हैं। देखो ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इसे पता नहीं कि अब नेक्स्ट टिप के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा ऑप्शन आर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बच्चों ये वाली तो मुझे लगता है कि 99% काम कर जाती है, जिसका आंसर शायद हम देखकर क्वेश्चन भी रीड नहीं करना चाहते, उसके ऑप्शन भी रीड नहीं करना चाहते और हम जल्दी से टिक कर लेते हैं किस पर, ऑल ऑफ द अबव पर, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये ट्रिक 99% काम करती है, लेकिन 1% मेरी एडवाइस ये है कि एक बार आप ऑप्शंस को रीड करें, कहीं ऐसा ना हो कि सारे ऑप्शन उल्टे सीधे दे रखे हो और उसमें एक ही करेक्ट आंसर हो, ठीक है। वैसे 99% ट्रिक काम कर जाती है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या होते हैं। अब मुझे पता ही नहीं कि ऑप्शन नंबर ए सही है गलत, ऑप्शन नंबर बी सही है गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है ये गलत, लेकिन मुझे लास्ट में एक वर्ड दिखाई दे गया कौन सा, ऑल ऑफ द अबव, तो हम ये मान सकते हैं ज्यादातर कंडीशंस में कि जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है वही आंसर हमारा ठीक हो जाता है। अच्छा इसमें ना बच्चों दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको लिख के समझाता हूं। एक वो होता है जिसका आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, एक इस टाइप का एमसीक्यू एक ऑप्शन मिलता है, और एक क्वेश्चन मिलता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगर हमें बोर्ड में ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन मिलता है तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो आंसर होता है वो 99% यही आंसर होता है, लेकिन अगर आपको बोर्ड में एक ऑप्शन ये मिल जाए नन ऑफ द अबव, तो ध्यान रखना इसके ठीक होने के चांस केवल 1% ही होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव में बहुत ज्यादा डिफरेंस है 99% और 1% का। तो ऑल ऑफ द अबव में आप ऑप्शन रीड करें, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुक्का मानना है। और नन ऑफ द अबव अगर उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो नन ऑफ द अबव पे टिक बहुत कम करना, कोशिश करना कि बाकी ऑप्शन में से आप करेक्ट ऑप्शन निकाल सको, राइट। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो सब जगह ही अप्लाई होने वाली है, ये देख सकते हो कैसे खतरनाक देख रहे हैं हमें, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रिक नंबर फोर, और ट्रिक नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है, हाँ वही नन ऑफ द अबव आ गया, क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पार्टनर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कैसे होनी चाहिए, मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी या नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि नन ऑफ द अबव पे टिक मत करना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कम से कम ये आंसर तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं तो पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता, नॉट मैंडेटरी होता है, तो ये ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। लेकिन इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस पर बिल्कुल भी टिक मत करना, क्योंकि इसके टिक होने के, इसका करेक्ट आंसर होने के जो चांस होते हैं वो केवल 1% ही होते हैं। तो नन ऑफ द अबव को आप कोशिश करना कि अवॉइड करते हुए चले, अगर इसका आंसर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कई मानना है, तो नन ऑफ द अबव को इग्नोर करते हुए चलना। चलिए आगे बढ़ते, ये देखो खतरनाक हमारे दिमाग का क्या हाल होता है ना, तो देख सकते हो आप। तो इस टाइप से बोर्ड में जब हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें नहीं आते तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और ये ट्रिक नंबर है 5, जिसका जो जिस ट्रिक का हमने नेम रखा है वह है ब्रेन सिग्नल ट्रिक या टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई एमसीक्यू आपने रीड किया और आपको लगता है कि इसका आंसर मैंने कभी पढ़ा है कभी सुना है। देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है तो वहां तो भैया ट्रिक काम करेगी, लेकिन एक ऐसा एमसीक्यू भी होता है
कि जिसके आंसर आपने सुना पढ़ा तो होता है, लेकिन फिलहाल आप एग्जामिनेशन के प्रेशर में आकर उसका आंसर आप बिल्कुल भूल गए, तब आपको करना क्या है, तब बच्चों आपको यूज करना है अपना कौन सा ब्रेन सिग्नल टेक्निक को यूज करना है। इसको यूज करना है, ब्रेन सिग्नल टेक्निक को यूज करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद तुरंत ही कोई टिक मत करना अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। आप बेल होने वाली है, कोई टिक ही करना है, तब तो मजबूरी है, टिक करके ही आओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सोचने के लिए आपके पास टाइम है, तो उस क्वेश्चन को देखो, समझो, याद करो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का था, ये क्वेश्चन मैंने कहां पर रीड किया था, किसके साथ में मैंने डिस्कस किया था। आपको सिर्फ सोचना, अपना माइंड आपको उसकी तरफ ले जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बच्चों हमने कभी सुना पढ़ा होता है तो वो हमें तुरंत याद आ जाता है कि हाँ ये मैंने सुना है। अगर कोई क्वेश्चन मैंने कभी सुना ही नहीं है, जिसका आंसर मुझे कभी पता ही नहीं है, कोई मुझसे पूछे, ये मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या होती है, तो शायद बहुत सारे बच्चे इसका आंसर अभी हैंड टू हैंड कमेंट बॉक्स में नहीं दे सके, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया की कैपिटल क्या होती है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे, सभी लोग आंसर दे देंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा भूल भी गया हो तो उसको दिमाग में आएगा नहीं, इंडिया की कैपिटल के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है, फिलहाल अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सोचकर वो आंसर दे सकते कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपसे पूछूं यूपी की कैपिटल क्या होती है, तो बहुत सारे बच्चों को याद होगा और बहुत सारे बच्चे को मालूम तो होगा, लेकिन एट प्रेजेंट वीडियो को देखते देखते आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होगा कि हाँ मैंने सुना है। लेकिन कोई मुझसे पूछे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कोई मुझसे पूछे साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, तो उसका आंसर मैंने कभी सुना ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो जब मैंने कभी कोई चीज सुनी ही नहीं है तो मैं उसका आंसर कहां से दूंगा। तो जिस जो आंसर आपने कभी सुना है, पढ़ा है, देखा है, तो उसके लिए आपको यूज करना है अपना सिग्नल, ब्रेन सिग्नल को यूज करना है, उसको आंसर को रीड करने के बाद छोड़ दो और अगले क्वेश्चन में पहुंच जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, जब बच्चों आप अगले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होगे, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के एक साइड में उस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा दिमाग ढूंढ रहा होगा, जिस क्वेश्चन को हम छोड़कर आ गए पीछे, और हो सकता है कि आगे वाले क्वेश्चन को रीड करते करते आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी याद आ जाए और उसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टेक्निक को। देखिए ये जो लड़की है, इसने उस क्वेश्चन को कभी सुना था, पढ़ा था, वही सोच रही है कि मैंने कहां देखा था, तो इसका आंसर ही ढूंढने की कोशिश करती है। अब लास्ट आता है टिप नंबर 6, जिसको बोलते हैं बी एंड सी ऑप्शंस, ठीक है। अब ये बी एंड सी ऑप्शंस क्या है, अब बी एंड सी ऑप्शन बच्चों होता है हमारा कि अगर आपको कोई भी ट्रिक यूज नहीं करनी है, या आपको लगता है कि इसका आंसर तो ना ऑल ऑफ द अबव है, ना मेरा ब्रेन सिग्नल यूज कर पा रहा है, ना नन ऑफ द अबव है, ना कभी मैंने सुना है, ना कभी मुझे आता है, तो बच्चों फिर आपको तो तुक्का ही मानना है। तो तुक्का मारने के लिए मेरी तो भैया सिर्फ सजेशन है ये कि आप बी या सी पर ही तुक्का मार कर आए, क्योंकि ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे जनरली माना जाता है कि जब कोई ऑप्शन हमें मिलता है तो एग्जामिनर जनरली ए को, जो भी करेक्ट आंसर होता है वो ए पर नहीं देता, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन में नहीं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन माना जाता है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ए में नहीं मिलेगा, ये तो बच्चा ए को देख कर ही एकदम आंसर निकाल देगा। लेकिन हाँ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर ए में हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपको पूरा सॉल्व करके ही आंसर मिलेगा, उसमें तुक्का चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो एग्जामिनर ये माना जाता है कि ए में ऑप्शन नंबर ए में आंसर करेक्ट नहीं देगा, ठीक है, और डी में भी नहीं देगा, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में भी नहीं देना चाहता। तो ये माना जाता है कि ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर कि आपका ऑप्शन बी और सी करेक्ट होने के जो चांस है वो ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए अगर आपको कोई भी ट्रिक कुछ भी यूज नहीं करना, कोई टेक्निक यूज नहीं करनी है, तब आप या तो बच्चों बी पर या सी पर लगा के आओ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप बी पर लगाओ, सी पर लगाओ, ए पर लगाओ, डी पर लगाओ, अपने पेरेंट्स से पूछ लो, टीचर से पूछ लेना कि ज्यादातर ऑप्शंस कौन से ठीक हो सकते हैं। और बहुत अच्छी वे यह है कि अगर आपके पास 5-10 सैंपल पेपर्स हो तो उसके आंसर जल्दी से चेक कर लो, आंसर में देख लेना किसके आंसर ठीक हो रहे हैं, बाकी अपना हिसाब से आप देख लेना कि आपको कौन सा करेक्ट आंसर लगा के आना है। वैसे तो ये माना ही जाता है कि बी और सी के ऑप्शन ज्यादा ठीक हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो लास्ट शायद हमारे पास रह गई है एक ऐसी टेक्निक, टिप नंबर 7 को अब हम देखेंगे, जिसको बोला जाता है मास्टर ट्रिक, जो कभी भी फेल नहीं होती। तो ये फेल ना होने वाली ट्रिक क्या होती है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो लास्ट हमारी ट्रिक है मास्टर ट्रिक, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तो कभी गलत होने ही नहीं देगी, इसलिए मैंने इस ट्रिक को सबसे लास्ट के लिए छोड़ रखा था। अब ये एमसीक्यू ठीक करने की लास्ट ट्रिक कौन सी होती है इसको ध्यान से देखना, और एज अ टीचर मेरी एडवाइस मास्टर ट्रिक के लिए ही है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी है, तो मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट ट्रिक ट्रिक नंबर 7 है, जिसको बोला जाता है मास्टर ट्रिक। अभी मास्टर ट्रिक क्या है इसको देखते हैं। तो भैया मास्टर ट्रिक आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, डू मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर से, बोर्ड के सैंपल पेपर से, अपने टीचर से, जितने जहां से आपको एमसीक्यू मिले उन ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा सीखोगे, करेक्ट आंसर ज्यादा फाइंड कर पाओगे। सेकंड, सॉल्व मोर एमसीक्यूज, राइट, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लो, क्योंकि अभी टाइम कम है, लेकिन फिर भी हम 40 50 100 200 जितने भी एमसीक्यूज हो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक घंटे के अंदर हम कम से कम 30 40 50 एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके करेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी में किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, ये बताएंगे आपके टीचर्स की अकाउंटेंसी में और बीएसटी में किस चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को के बारे में उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो हम ये मान सकते हैं कि आपका एमसीक्यू गलत कभी नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग एंड स्टडी की। भैया कंटिन्यूसली पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, यही सबसे अच्छी ट्रिक होती है। एग्जामिनेशन से पहले पढ़ना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और लास्ट है मेरी तरफ से, आपको गाइडेंस लेनी है अपने टीचर्स की और पेरेंट्स की, जो आपको प्रॉपर वे में बताएंगे कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे ठीक होते हैं। तो ऊपर मैंने आपको कुछ टिप्स भी बता दी है, कुछ ट्रिक्स भी बता दी है, और बाकी मैंने कुछ टेक्निक भी बता दी है आपको, और लास्ट में मैंने एक अपनी तरफ से पर्सनली एडवाइस भी दी है एज अ टीचर कि आप ज्यादा लर्निंग करें, ज्यादा अपने टीचर के टच में रहे, ताकि आपको करेक्ट गाइडलाइंस मिलती रहे, गाइडेंस मिलती रहे, और फाइनली आपका पेपर को केवल 2 दिन ही बचे और बीएसटी के लिए 4-5 दिन बचे। तो मेरी तरफ से आप सभी को देख लिया होगा आपने, ऑल द बेस्ट, बढ़िया करके आना। अकाउंटेंसी की लाइव क्लास हम कंटिन्यूअसली लेते आ रहे हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता हो तो आप मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आता हो तो आप अपना एमसीक्यू मुझे सेंड कर सकते हैं, जो भी उसका करेक्ट आंसर होगा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि टिप्स जो होते हैं वो हो सकता है कि हमारे शेयर करने के बाद हमारे फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल जाए, तो इससे अच्छा कोई भी बात नहीं होगी। एनीवे आप स्टडी करते रहे, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहे, मेरी आप सभी के लिए यही एडवाइस है। बाय।